हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, डिस्प्ले पे जो लेफ्ट साइड पे है वो है डोमिनर 250 बजाज का एक बेहतरीन टूरिंग बाइक, और राइट साइड पे जो है हीरो का मैवरिक 440 जो 2024 में रिलीज़ हुआ है। और आज अपन इन दोनों बाइकों का कंपेरिजन करने वाले हैं, देखेंगे कि आज के टाइम पर कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए, कौन सी बाइक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हीरो ने अभी तो 2024 में बहुत ही अच्छा काम करना शुरू किया है। और इस टाइम कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए टूरिंग के लिए, लॉन्ग टूर के लिए या फिर डेली लाइफ के लिए। और मैंने इन दोनों बाइक को चुना क्योंकि ये दो बाइक सेम पावर प्रोड्यूस करता है, लगभग सेम पावर प्रोड्यूस करता है, और प्राइस भी कुछ इधर उधर है। सब कुछ हम आगे बताएंगे, देखते हैं कौन सी बाइक फ़ायदेमंद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले गाइज मैं दोनों बाइक का प्राइस बता देता हूँ। लेफ्ट साइड पे जो है डोमिनर 250, इसका प्राइस है, एक शोरूम प्राइस है 184 लाख। और राइट साइड पे जो हीरो मैवरिक 440 है उसका प्राइस है लगभग 2 लाख। और डोमिनर 250 में आपको सिर्फ स्टैंडर्ड वर्सन मिलता है, और मैवरिक 440 में आपको तीन अलग अलग वर्सन मिलते हैं, एक बेस, एक मिड और एक टॉप, जिसमें अलग अलग आपको फीचर्स मिलते हैं, अलग अलग प्राइस जो है उस बाइक का। सो गाइस, डोमिनर 250 में 250 सीसी लिक्विड कूल इंजन के साथ आपको 26.6 bhp का पावर मिलता है, साथ में आपको 8500 तक rpm मिलता है। और यहीं पे राइट साइड पे आपको मैवरिक 440 पे 440 सीसी का इंजन है, ARN ऑयल कूल इंजन, साथ में वो प्रोड्यूस करता है 27 bhp का पावर, जो कि सीसी के हिसाब से बहुत ही कम है, और सिर्फ आपको 6000 तक rpm मिलता है। लेकिन गाइज, जहाँ पे डोमिनर 250 23.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, वहाँ पर मैवरिक 440 36 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और गाइज, क्योंकि इस बाइक में आपको मैक्सिमम आरपीएम 6000 तक मिलता है, तो आपको 4000 आरपीएम में ही, यानी कि 4000 आरपीएम में आपको सारी टॉर्क मिलने वाली है। गाइज, दोनों बाइक का माइलेज जो है वो आपको 30 से 32 या 3 किलोमीटर पर लीटर तक देखने को मिलेगी। दोनों बाइकों में आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे टॉप स्पीड का जो बात आता है उसमें गाइज, डोमिनर पे आपको मैक्सिमम 140 किलोमीटर पर आवर तक टॉप स्पीड मिलता है, लेकिन यहाँ पर गाइज मैवरिक 440 में आपको 150 प्लस माइलेज मिल जाता है, सॉरी टॉप स्पीड देखने को मिलता है, वो भी 6000 rpm में। और गाइज, डोमिनर पे आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, यहाँ पर मैवरिक 440 में आपको 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। डोमिनर 250 में आपको फ्रंट में USD फॉक्स मिलता है, एंड रियर में मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। यहाँ पर आपको मैवरिक 440 में फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक्स मिलते हैं, एंड रियर में आपको हाइड्रोलिक ट्विन शॉक्स स्विंग आर्म मिलते हैं, जो फ्रंट सस्पेंशन है टेलीस्कोपी, वो ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम सब जानते हैं USD फोक्स ऑफ रोडिंग में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती। तो यहाँ पर दोनों बाइकों में आपको ड्यूल डिस्क विद ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है। डोमिनर में आपको फ्रंट में 300 mm का डिस्क मिलता है, एंड रियर में आपको 230 mm का डिस्क मिलता है, और मैवरिक 440 में आपको फ्रंट में 320 mm का डिस्क मिलता है, और रियर में आपको 240 mm का डिस्क मिलता है, जो डोमिनर से थोड़ा ज़्यादा साइज़ के है। अब गाइस, टायर्स की बात करें तो डोमिनर 250 में आपको फ्रंट में 100x80 सेक्शन के टायर मिलते हैं, एंड रियर में आपको 130x70 सेक्शन के टायर मिलते हैं, एंड ट्यूबलेस टायर मिलता है, वो भी रेडियल। और मैवरिक 440 में आपको फ्रंट में 110x70 के मिलते हैं, रियर में आपको 150x60 के टायर मिलते हैं, और ट्यूब टायर मिलते हैं एंड नॉन रेडियल। और यहाँ पर गाइज, आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि लॉन्ग टूर के लिए या फिर जो ऑफ रोडिंग होता है, इन सब के लिए एक्चुअली लॉन्ग टूर के लिए ट्यूब टायर अच्छा है या ट्यूबलेस टायर अच्छा है, आप लोग ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज। अब गाइज, डोमिनर 250 की वेट की बात करें तो 180 kg वेट है, और मैवरिक 440 की यहाँ पर 191 kg वेट है, जो कि लॉन्ग टूर के लिए थोड़ा सा दिक्कत देने वाली है, क्योंकि आप जब लगेज वगेज ऐड करोगे उसमें और फ्यूल फुल टैंक हमेशा करवाने पड़ते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा हेवी वेट लगेगा ये बाइक। दोनों बाइक के सीट हाइट में गाइज ज़्यादा फर्क नहीं है, डोमिनर का सीट हाइट है 800 mm और मैवरिक का सीट हाइट है 803 mm। और गाइज, हाइट जो है सीट हाइट दोनों बाइक का, इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे कम हाइट के राइडर्स हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन गाइज, ऑफ रोडिंग के लिए जो सबसे ज़रूरी होता है वो है बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस। सो यहाँ पर डोमिनर 250 का ग्राउंड क्लियरेंस है 157 mm,
बाकी यहाँ पर गाइज मैवरिक 440 का डोमिन ग्राउंड क्लियरेंस है 175 मिलीमीटर, जो कि बहुत ही अच्छा है गाइज। अब गाइज बात कर लेते हैं मीटर कंसोल की, तो दोनों बाइक में गाइज डिजिटल मीटर कंसोल मिलने वाला है और काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है उस बाइक में। नेक्स्ट में आपको लाइट सेटअप्स की बात करते हैं, तो दोनों बाइक में आपको फुल LED लाइट सेटअप मिल जाते हैं, इंडिकेटर से लेके हेडलैम्प, प्रोजेक्टर, सब टेल लाइट, सब कुछ आपको LED में मिल जाते हैं। दोनों बाइक में गाइज एक USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जिससे आप आसानी से अपना मोबाइल हो, आपका GoPro कैमरा हो, जो भी हो आप चार्ज कर सकते हो। आजकल तो सारी बाइक्स में आते हैं ये चीज़। और एक चीज़ गाइज, डोमिनर में आपको स्टेप सीट मिलता है, मतलब आपको जो राइडर की सीट है उससे पिलियन की सीट थोड़ा सा स्टेप्ड होगा, हाइट में होगा, और यहाँ पर मैवरिक 440 में आपको फ्लैट सीट मिलता है। गाइज ओवरऑल दोनों बाइक्स को कंपेयर करके देखा जाए तो दोनों बाइक काफ़ी सिमिलर है पावर में, और उसमें थोड़ा सा हीरो में आपको टॉर्क ज़्यादा मिलता है। लेकिन गाइज आज के टाइम पे हीरो एक नया बाइक है, तो हीरो पे जाना चाहिए मेरे हिसाब से लगता है। डोमिनर भी कुछ कम नहीं है, सो जो आपकी पसंद है आप थोड़ा देख के सोच के फिर लो। बाकी दोनों बाइक गाइज बहुत अच्छा है। सो जो भी चैनल पे नया है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।